नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉलीवुड फ्राइड। अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चाओं में रहने वाली बॉलीवुड की पंगा क्वीन कंगना रनौत सोशल मीडिया पर हमेशा चर्चा का विषय बनी रहती है। सुशांत केस में मुखर हुई कंगना बॉलीवुड की पोल पट्टी खो रही है। हाल ही में उन्होंने बताया था कि शिवसेना नेता संजय राउत ने उन्हें खुलेआम धमकियां मिल रही हैं। अपने इसी ट्वीट में उन्होंने मुंबई की तुलना पाकिस्तान अधिकारित कश्मीर पीओके से कर डाली, जिसके बाद बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की नाराजगी बाहर आई और इस मसले पर सोशल मीडिया पर सेलिब्रिटीज ने पंगा गर्ल को आड़े हाथों लिया। मुंबई वापस न आने की धमकियों के बीच कंगना ने फिर एक ट्वीट किया है और धमकियां देने वालों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए बताया कि वह मुंबई वापस आ रही हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने एक ट्वीट किया और लिखा कि मैं देख रही हूं कि बहुत से लोग मुझे धमकी दे रहे हैं कि मैं मुंबई वापस नहीं आऊं, इसलिए मैंने फैसला किया है कि अब मैं 9 सितंबर को मुंबई वापस जाऊंगी। मैं वो समय भी शेयर करूंगी जब मुंबई एयरपोर्ट पर मैं लैंड करूंगी। किसी के बाप में हिम्मत है तो रोक ले। इसके साथ ही उन्होंने एक स्माइली भी शेयर की है। कंगना की इस घोषणा के बाद सोशल मीडिया पर लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। लोग उन्हें शेरनी और क्वीन कहकर बुला रहे हैं। आपको बता दें कि गुरुवार को कंगना ने ट्वीट कर लिखा, शिवसेना नेता संजय राउत ने मुझे खुलेआम धमकी दी है और मुंबई वापस नहीं आने को कहा है। मुंबई की सड़कों पर आजादी से जुड़े भिन्न चित्र देखने के बाद अब खुली धमकी मुंबई अब पीओके की तरह फील कर रहा है। कंगना का ये बयान तब आया जब संजय राउत ने शिवसेना के मुख्य पत्र सामना में कंगना पर निशाना साधा और कहा कि वे मुंबई में रहती हैं, फिर भी यहां की पुलिस बल की आलोचना कर रही हैं। राउत ने लिखा, हम उनसे निवेदन करते हैं कि वे मुंबई ना आए। ये मुंबई पुलिस का अपमान करने के अलावा और कुछ नहीं है। गृह मंत्रालय को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। और बड़ी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।